निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। जी हाँ, जो अपने हिम्मत और अपने हौसले से अपने लिए नई राहें हमवार करते हैं वही हमारे नायक कहलाते हैं, हमारे हीरोज़ कहलाते हैं। और ऐसे तमाम हीरोज़ की कहानियों को समेट कर लेकर आते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। नमस्कार, मैं हूँ शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं बहुत आम लोगों की बहुत ही खास कहानियाँ। तो देर किस बात की है, शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस खास कार्यक्रम की। गणित को विज्ञान प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण उपकरण भी कहा जाता है। हम दैनिक जीवन में रोजाना गणित का बहुत उपयोग करते हैं, फिर चाहे वो घड़ी देखना हो, खेल के समय स्कोर का हिसाब किताब रखना हो या फिर व्यवसाय का लेखा जोखा रखना हो, यहाँ तक कि संगीत का सिद्धांत जो है वो भी गणित पर ही आश्रित है। इतना गणित सर्वव्यापी है फिर भी गणित का नाम आते ही सर चकराने लगता है, एक कठिन विषय का फोबिया सा होने लगता है। फिर एक सवाल मन में ये भी आता है कि क्या गणित आसान नहीं हो सकती। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, आप इस रिपोर्ट को देखिए और फिर बताइए कि कैसी लगी आपको गणित। जोधपुर के केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 वायुसेना के शिक्षकों द्वारा बनाए गए गणित के प्रोजेक्ट का एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। ये प्रोजेक्ट 2 शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। मैथ्स फोबिया नाउ नो मोर, अमेजिंग मैथ्स, ये दिल मांगे मोर। इसके जरिए ये बता रहे हैं कि बच्चों को खेल खेल में मैथ्स कैसे सिखाया जा सकता है। पर इसमें ये प्रयास किया गया है कि गणित को सामान्य जीवन से जोड़ा जाए, गणित को एक्सपीरियंशियल लर्निंग से सीखा जाए और गणित को छोटी छोटी संक्रियाएँ जो व्यावहारिक जीवन में यूजफुल होती हैं, जैसे जन्मतिथि से रिलेटेड, किसी का वार निकालने से रिलेटेड, किसी का परसेंटेज का वगैरह का बाजार का हिसाब से लेके गुणा की जो नई विधियाँ, वैदिक विधियाँ, इन सभी का समावेशन करके उनके जिंदगी से जोड़ के इस प्रोजेक्ट को बनाया गया और इससे गणित को आकर्षक बनाया गया। यथा शिखा मयूराणा नगाणा मणियो यथा तथा वेदांग शास्त्राणा गणितम मूर्धनी स्थितम, यानी जिस प्रकार मोरों में शिखा और नागों में मणि का स्थान सबसे ऊपर है, उसी प्रकार सभी वेदों और शास्त्रों में गणित का स्थान सबसे ऊपर है। गणित जितना कठिन है, जटिल है, उतना ही महत्वपूर्ण भी। रसायन विज्ञान हो या भौतिकी या फिर खगोल विज्ञान, गणित के बिना समझना असंभव है। हम दैनिक जीवन में रोजाना गणित का उपयोग करते हैं, कोई भी आविष्कार गणित के बिना संभव ही नहीं। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि बच्चे क्या बड़ों बड़ों को गणित का फोबिया सा हो जाता है। जरूरत है कि गणित को प्रायोगिक और खेल खेल में उसके मूल भाव से समझाया जाए। इस समस्या को जोधपुर के केंद्रीय विद्यालय 1 के शिक्षक दंपति पंकज सोरल और सुमन सोरल ने समझा और विद्यार्थियों को इस फोबिया को दूर करने के लिए खेल खेल में गणित समझने का एक प्रोजेक्ट तैयार किया। मैथ्स फोबिया नाउ नो मोर, अमेजिंग मैथ्स, ये दिल मांगे मोर। ये प्रोजेक्ट गणित विषय को दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़कर एक रोचक विषय के रूप में प्रस्तुत करता है। बच्चों को गणित सीखने में आसानी हो, इसके लिए बाल मनोविज्ञान की मदद से खेल खेल में गणित के विभिन्न फार्मूलों को समझाया जाता है। कि क्या हम इस तरह के कुछ गेम्स डेवलप कर सकते हैं, क्या कुछ इस तरह की प्राविधियों का विकास कर सकते हैं जिसके के द्वारा बच्चे जो है खेल खेल में गणित की बहुत सारी संक्रियाएं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को आत्मसात करें। और बस यहीं से स्टार्ट हुआ हमारा ये प्रोजेक्ट मैथ्स फोबिया नाउ नो मोर, अमेजिंग मैथ्स, ये दिल मांगे मोर। बच्चों को अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर अगर सिखाया जाए तो उनके लिए कोई भी चीज समझना आसान रहता है। इस प्रोजेक्ट में गेम्स के माध्यम से इस तरह पाठ्यक्रम विकसित किया गया है, जैसे सांप सीढ़ी आधारित गेम्स, LCM, HCF का बोर्ड, जियो बोर्ड, मैजिक एज फाइंडर, स्पाइरल नंबर बोर्ड और स्क्वायर मशीन है जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा अभिव्यक्ति कर सकते हैं।
इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना है, विभिन्न गणितीय दक्षताओं का विकास और अवधारणाओं को समझाना है। यकीनन ये है गणित का सरलीकरण। बच्चे तो कहेंगे ही, ये दिल मांगे मोर। जोधपुर से मुरारी गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बच्चों को गणित के बड़े बड़े फॉर्मूले समझाने से ज्यादा बेहतर है कि उन्हें रोचक अंदाज में पढ़ाया जाए, खेल खेल में पढ़ाया जाए। और बात जब पढ़ाई की हो रही है तो चलिए आपको जेल में लिए चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला पढ़ाई की बात और जेल की बात, ये भला कैसी बात हुई। जी हाँ, आपको बांदा की जेल में हम इसलिए लेकर चलते हैं क्योंकि वहाँ पर इन दिनों साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये वहाँ के जेल के अधिकारी कार्यक्रम चला रहे हैं ताकि वहाँ के बंदियों को साक्षर बनाया जा सके, उन्हें डिजिटल प्रोग्राम से जोड़ा जा सके। उन्हें ना केवल कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है बल्कि उन्हें दूरस्थ प्रोग्रामों से भी जोड़ा जा रहा है और उच्च शिक्षा देने की ओर कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि वो अपने जीवन में कुछ खास कर सकें। तो चलिए देखते हैं बांदा से ये खास रिपोर्ट। बांका की मंडलीय जेल में इन दिनों अनूठा प्रयोग हो रहा है। यहाँ कैदियों की डिजिटल पाठशाला चल रही है। अपराधी को जेल की सजा देने के दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं। एक तो अपराधी को समाज से अलग करना ताकि उसकी बुराई दूसरों तक न फैले, और दूसरा सजा काटने के बाद जब वो वापस समाज में जाए तो उसमें जीने की सकारात्मक ऊर्जा हो ताकि शेष समाज उसे अपने साथ जोड़ सके। इसलिए अपराधियों को जेल में रहने के दौरान जीवन कौशल सिखाए जाते हैं। बांका की जेल में 300 कैदियों को इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल साक्षरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान वैसे तो ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे लोगों के लिए है जो इस पाठ्यक्रम को पूरा कर अपने पैरों पर खड़े हो सके, लेकिन कैदियों को इसका प्रशिक्षण देने का उद्देश्य ये है कि जब ये जेल से अपनी सजा पूरी करके बाहर जाएं तो इनके हाथ में हुनर हो और ये दोबारा अपराध की अंधेरी गलियों में न भटकें। ये पहली बार बांका से ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू है जिसके माध्यम से वे वित्तीय समावेशन, वे इंटरनेट की जानकारी, उन्हें ईमेल भेजने की जानकारी, उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं की साइट्स के बारे में जानकारी, उन्हें 156 प्रकार के सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी, इसके अलावा आधार से रिलेटेड जितनी भी प्रकार की सावधानियां रखनी है उसकी जानकारी, आधार से रिलेटेड जितनी योजनाएं हैं उनकी जानकारी प्रदान की जा रही है। और जब ये डिजिटली रूप से साक्षर होंगे तभी वो सक्षम होंगे और समाज की मुख्यधारा में वापस लौट पाएंगे। बांका जेल में कुल 989 कैदी हैं, इनमें से 24 हार्डकोर नक्सली भी हैं। इनमें से 150 बंदी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम BPP में पंजीकृत हैं और 2 दर्जन से अधिक कैदी संगीत स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मुनेश्वर कुमार कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैदियों को बकरी पालन, मुर्गी पालन और मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जाता है। माइकल टूडू हार्डकोर नक्सली है। इसका कहना है कि वो अब देश का अच्छा नागरिक बनना चाहता है। सरकार से लाभ लें और कृषि विज्ञान केंद्र से जोड़ के उसका प्रशिक्षण ले के आत्मनिर्भर बने और अपना जीवन व्यक्तित्व अच्छी तरह कर सकते हैं। अपराध विज्ञानियों और समाज शास्त्रियों का कहना है कि जेलों को सुधार गृह होना चाहिए। बांका की मंडलीय जेल एक सुधार गृह का उदाहरण पेश कर रही है। बांका से नंद कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। कहते हैं ना कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। आप जब तक चाहें जितना चाहें पढ़ सकते हैं और इसी का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही है बांका की ये जेल जहां पर बंदियों को साक्षर बनाया जा रहा है। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को आगे भी जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप आज कुछ अचारी बनाएंगे? अचारी, लेकिन कैसे? NDH अचारी आलू मसाला जो है, जो चाहो मिनटों में बनाओ। NDH अचारी आलू मसाला, इससे बनाइए ना सिर्फ अचारी आलू, अचारी भिंडी, अचारी बैंगन और कुरकुरी भिंडी भी। NDH अचारी आलू मसाला, असली मसाले सच सच। NDH, NDH।
Let me show you our latest innovation. Orient BLDC fans. Intelligent BLDC technology. In Orient fans mein BLDC technology hai. Yani bijli ka bill almost aadha. Aur low voltage mein bhi badhiya performance. Fantastic. Orient BLDC fans. Very silent, very powerful, very efficient. Sunflame Home Appliances. Sab ki pehli pasand. Sunflame, the clear choice. Maa kab aayega? Abhi aayega. अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। देख पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों बैठा है? पता नहीं, तुझे उसे टीबी है। लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप, खेती की हर समस्या का समाधान, बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान, डाउनलोड करें अभी के अभी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। अब तक पालघर में हल्दी, मोगरा, लिली, गेंदा, गुलाब, शिमला मिर्च जैसी पारंपरिक फसलों की खेती की जाती थी, लेकिन चूंकि अब युवा वर्ग भी खेती में हाथ आजमा रहा है और नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, तो तमाम सारे किसानों को प्रेरित कर रहे हैं ऐसे किसान। आपको एक ऐसे ही किसान से मिलवाने जा रहे हैं, नाम है चिन्मय राउत, और ये खेती में नए एक्सपेरिमेंट्स करके कुछ खास कर रहे हैं और कई किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बने हैं। क्या कुछ कर रहे हैं दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। मिलिए चिन्मय से, जिन्होंने कुछ नवोन्मेषी प्रयोगों के साथ अपने खेत में ऑर्किड के फूल लगाए हैं। जिले में पहली बार इन फूलों की खेती की गई है। वैसे तो शिमला मिर्च, गुलाब और लिली जिले के वानगांव और आसनगांव क्षेत्रों में बहुतायत से उगाए जाते हैं, लेकिन चिन्मय राउत ने थोड़ा अलग प्रयोग किया है और अपनी 50 गज भूमि में ऑर्किड लगाए हैं जो मूल रूप से थाईलैंड के हैं। इसकी खासियत ये है कि ये खेती बड़े ही फायदे का सौदा साबित होती है। कम जगह और कम लागत में ज्यादा पैदावार, लेकिन जानकारी के अभाव में अक्सर किसान इस ओर नहीं जाते। चिन्मय के लिए भी ये आसान नहीं था। आजकल के यंगस्टर्स ने थोड़ा एग्रीकल्चर की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि अभी की इंडस्ट्री एग्रीकल्चर ही है, फूड इंडस्ट्री का बेस ही एग्रीकल्चर है और फ्लोरिकल्चर में भी बहुत वास्ट इंडस्ट्री बन रही है। और इसके लिए चिन्मय के पिता और 3 किसान मित्र ऑर्किड के बारे में जानने के लिए थाईलैंड गए और खेती की बारीकियों को सीखा। फिर वो पुणे से फूलों के पौधे लाए और उन्हें अपने 50 गज क्षेत्र में लगाया। दरअसल इन फूलों की खेती के लिए किसी प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, ये नारियल के छिलकों का उपयोग करके उगाए जाते हैं। इस फसल की खेती एक पॉली हाउस में 25 से 40 डिग्री तापमान में की जाती है। ऊपर से छिड़काव की विधि से पेड़ को सींचा जाता है। शुरुआत में इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के बीच होती है। हालांकि एक बार लगाए जाने के बाद ये 7 से 8 साल तक उपज देता है। फूल तैयार होने के बाद उन्हें काट कर प्लास्टिक की थैलियों में पैक किया जाता है, फिर उन्हें मुंबई के दादर मार्केट में ले जाया जाता है। हमने हमारे फॉर्म में 52,000 ऑर्किड प्लांट लगाए हैं। इसमें 2 तरह के प्लांट हैं, सोनिया रेड और सोनिया वाइट।
जो पूरा पैकेज होकर दादर मार्केट में जाता है और कभी कभार रेट भी अच्छे होते हैं तो फायदेमंद व्यवसाय है। बाकी सभी कलर ट्राई बेसिस पर लगाए हुए हैं। इसके लिए मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती, इसको नारियल के शेल में लगाते हैं। इसकी लाइफ 10 साल की होती है, इसके लिए पॉली हाउस की जरूरत होती है। चिन्मय ने अपने खेत में सोनिया रेड, सोनिया व्हाइट, मोथ ऑर्किड, कैटल ऑर्किड नाम से 4 प्रकार के ऑर्किड लगाए हैं। आज स्थिति ये है कि उनके खेतों में 50,000 से 52,000 के बीच ऑर्किड फूल के पौधे हैं। उनके ऑर्किड फूलों की दादर मार्केट में काफी डिमांड है। फार्मा की पढ़ाई कर चुके चिन्मय आज खेती से ना सिर्फ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं बल्कि बाकी किसानों को भी उन्नत खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मुंबई से तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, हमारे देश के युवा खेती किसानी में ना सिर्फ हाथ आजमा रहे हैं बल्कि बहुत कुछ अच्छा करके दिखा रहे हैं और खेती को एक नए आयाम तक लेकर जा रहे हैं। और जब बात खेती किसानी की हो रही है तो इसमें महिलाओं के योगदान को भी नहीं नकारा जा सकता है। महिलाएं भी बहुत अच्छा कर रही हैं, खास कर रही हैं, ना केवल खेती किसानी के क्षेत्र में बल्कि और भी कई क्षेत्रों में हाथ आजमा रही हैं और बेहतर करके दिखा रही हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे लता कुशवाहा से। इन्होंने ऐसी महिलाओं के लिए काम करना शुरू किया जो कि घूंघट की ओट में रहती थी एक समय, लेकिन उनके लिए उन्होंने काम करना शुरू किया और उनको आत्मनिर्भर बनाने की ठानी। आज उन्होंने बहुत सारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया है। कैसे, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बाड़मेर जिले के सीमावर्ती गांवों में छितराई ढाड़ियों में देहाती महिलाओं के बीच बैठी ये महिला उनमें स्वरोजगार, शिक्षा और कौशल विकास की अलख जगा रही हैं। ये महिला हैं समाज सेविका लता कुशवाहा, जिन्होंने अपना जीवन पूरी तरह समाज सेवा को समर्पित कर दिया है। 80 से 90 के दशक में जब सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों में महिलाएं घूंघट की ओट में ही रहती थी, महिलाओं से बात करने के लिए पहले उनके परिवार वालों या फिर पति से इजाजत लेनी पड़ती थी। ऐसे में लता कुशवाहा ने इन महिलाओं की परेशानियों को समझा और उन्हें दूर करने की दिशा में प्रयास करने शुरू कर दिए। और जब मैं गांव की औरतों की जो स्थिति देखी और जैसे उनसे मिलने के बाद जो एक रिएक्शन था, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा शायद मैं अपने जीवन में क्या कर पाऊंगी। तब मैंने तय किया कि मैं यही रुक कर काम करूंगी और फिर मगराज साहब के साथ जुड़कर, क्योंकि उन्होंने मुझे इस काम में जोड़ा, तो मैंने एक ऐसा मन में तय कर लिया कि मैं अब यहीं रहूंगी और काम करूंगी और लौट के कभी बाद जोधपुर की तरफ देखा नहीं। उन्होंने महिला स्वच्छता, स्वास्थ्य और प्रजनन स्वास्थ्य पर काम करना शुरू किया। वो हुनरमंद महिलाओं के बीच अपनी पहचान और विश्वास बनाकर उनकी प्रतिभा और हस्तशिल्प कला को विश्व पटल पर पहुँचाने का प्रयास करने लगी। आज ये महिलाएं एकजुट हो चुकी हैं और अपने उत्पादों को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुंचा रही हैं। श्योर संस्था के साथ मिलकर लता कुशवाहा महिला उत्थान, जल संरक्षण के अलावा विशेष योग्यजन, बच्चों की शिक्षा, आवास और रोजगार के भी अनेक प्रयास कर रही हैं। उनका ये प्रयास यहाँ के बच्चों और महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान के साथ साथ उनमें एक नया आत्मविश्वास जगा रहा है। बाड़मेर से मंजू मीना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो है ना लता कुशवाहा हम सब के लिए प्रेरणा की स्रोत। ऐसी तमाम अच्छी खबरें अभी भी जारी रहेंगी, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं बन जाइए, हम जल्दी से हाजिर होंगे। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों बैठा है? पता नहीं तुझे उसे टीबी है। लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना
इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? Let me show you our latest innovation. Orient BLDC fans. Intelligent BLDC technology. In Orient fans में BLDC technology है. यानि बिजली का बिल almost आधा. और low voltage में भी बढ़िया performance. Fantastic. Orient BLDC fans. Very silent, very powerful, very efficient. वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप आए खेती की हर समस्या का समाधान, बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान, डाउनलोड करें अभी के अभी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कबाड़ से संपदा का नारा दिया था और इस नारे को कई लोगों ने चरित्रार्थ करके दिखाया है। वैसे तो बेकार पड़ी वस्तुओं को, कबाड़ को नया रूप देने की बात सुनना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन असल मायनों में ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन बहुत सारे लोग इस काम को कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम आज आपकी मुलाकात शशिकांत से करवाएंगे, जिन्होंने इस काम में महारत हासिल कर रखी है। वो ऐसी बेकार बेकार वस्तुओं से इतनी नायाब कलाकृतियाँ बना देते हैं, इतनी खूबसूरत चीज़ें बना देते हैं कि उसे देखते ही मुँह से वाह निकल उठता है। और ये खूबसूरत कलाकृतियाँ शहरों में, पार्कों और जो सार्वजनिक स्थल हैं उनकी शोभा बढ़ा रही हैं। तो देखते हैं ये खास रिपोर्ट। औरंगाबाद जिले के कलाकार शशिकांत ओझा धातु के टुकड़ों और कबाड़ से कला का अनुपम संसार रच रहे हैं। इनकी बनाई कलाकृतियां आज देश के कई प्रमुख स्थलों पर लगाई जा चुकी हैं। पटना के इको पार्क में मेटल का बना एक वॉल फिगर स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। पटना चिड़ियाघर में जो आप स्टेनलेस स्टील की विशाल तितली देखते हैं, वो भी शशिकांत ओझा की ही कलाकृति है। औरंगाबाद शहर के क्लब रोड निवासी शशिकांत ओझा आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सचिदानंद सिन्हा कॉलेज में प्रोफेसर स्वर्गीय डॉक्टर जगदीश ओझा के सुपुत्र शशिकांत ओझा पढ़ाई के बाद जमशेदपुर में आकर बस गए थे और वहीं इन्होंने धातु के टुकड़ों तथा कबाड़ से अनुपम कलाकृतियां विकसित करने का हुनर प्राप्त किया। श्री ओझा बताते हैं कि उन्हें शौकिया तौर पर ऐसी कलाकृतियां बनाने का काम शुरू किया था और अब उनकी कलाकृतियों की देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी मांग है। यही टाइगर स्कल्पचर जो हमने बनाया, इंडोनेशिया और मलेशिया से बहुत सारे लोग इसको यहाँ इंडिया में भी मंगाते हैं और इस चीज़ को यूज़ करते हैं। वहाँ इस आर्ट को करने वाले इस चीज़ का जो प्राइस लेते हैं उसके लगभग आधे दाम में हम लोग यहाँ उससे बेटर चीज़ दे सकते हैं। कई फीचर्स हमने जो डेवलप किया है उसमें ख़ास ये है कि हमारे स्कल्पचर में वेल्डिंग हमने सारा लगभग अंदर से ही किया है, बाहर से बिल्कुल वो उसका फिनिशिंग के हिसाब से ये काफ़ी उससे डिफरेंट है। ये बेकार के लोहे के टुकड़ों, जिनमें बॉल बेयरिंग, स्टील की बेकार पड़ी चीजें, तांबे के तार जैसी चीजों के इस्तेमाल के साथ साथ नट बोल्ट, थाली, कटोरे, दूध के केन जैसी वस्तुओं से अद्भुत कलाकृतियों का निर्माण करते हैं। इनके द्वारा बनाया गया स्टील का एक घोड़ा औरंगाबाद के सत्येंद्र नारायण सिन्हा पार्क में मुख्य आकर्षण बना हुआ है। श्री ओझा की कलाकृतियां जमशेदपुर सहित झारखंड के कई स्थानों पर स्थापित की गई हैं। उनके द्वारा मेटल बेयरिंग निर्मित शेर, टैंक और चाय की केतली भी अद्भुत है। ये चंडीगढ़ के मशहूर रॉक गार्डन की तरह ही एक पार्क विकसित करना चाहते हैं, जिसके लिए इन्हें सरकार की मदद की दरकार है। शशिकांत ओझा का ये प्रयास युवा पीढ़ी को न सिर्फ प्रेरणा दे रहा है बल्कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी साकार कर रहा है। और औरंगाबाद से कमल किशोर की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार। तो देखा आपने, हमारे देश के लोगों में प्रतिभा अपार है, कौशल अपार है, बस ज़रूरत है उन्हें एक मौका मिलने की। और जब जब हमारे देश के लोगों को मौका मिलता है, उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा करके ज़रूर दिखाया है। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कुछ ना कुछ देश और समाज के लिए अपना योगदान ज़रूर दीजिए, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर कीजिए और देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं, कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम के बारे में, तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dd.goodnewsindia@gmail.com। अभी हम आपसे विदा लेना चाहेंगे इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियाँ लेकर, जो होंगी आम लोगों की खास कहानियाँ और जो आपको बहुत प्रेरित भी करेंगी। तो हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।